तो हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने ऑनलाइन क्वेश्चन अप चैनल में। तो आज है 1 अक्टूबर। चलिए देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और कभी बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट आई है। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पर गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पर। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर पढ़ने देखने मिल जा रहा है, आपकी पीजी सेमेस्टर 2 दर्शन शास्त्र के छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनका आज जो एग्जाम होने वाला था 1 अक्टूबर को वो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया और आगे की परीक्षा अर्थात 4 अक्टूबर से होने वाली परीक्षा अपने पुराने निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार ही होगी। अगली भी टीपीएस कॉलेज की तरफ से छात्रों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय के शिक्षेत्र कर्मचारियों का कलमबंद हड़ताल 30 से 1 तक है, तो इसीलिए देख पा रहे हैं सभी क्लासेस बंद रहेगी और 4 अक्टूबर से कार्य पूर्वभांति चलेंगे। अगली बार देख पा रहे हो टीपीएस कॉलेज की तरफ से कि महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षक कर्मचारी छात्रों को सूचित किया जाता है कि पटना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना एवं एनटीए नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा के कारण 4 अक्टूबर को सभी शैक्षणिक कार्यालय कार्य बंद रहेंगे और 5 से सभी कार्य खुलेंगे। अगले बिहार की तरफ से इंटर का प्रैक्टिकल 10 से 21 जनवरी तक होगा। अगले भी टीपीएस कॉलेज की तरफ से पढ़ पा रहे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं रेगुलर सत्र 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 सभी वर्गो को सूचित किया जाता है कि pms.online.ph.nac.in पर ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिनांक 1 अक्टूबर यानी आपका जो भी कॉलेजेस है, ठीक है, पाठ्यपुत्र यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी जो भी कॉलेज सबका आता है उस कॉलेज में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक तिथि विस्तार कर दिया गया। यानी वो आवेदन भरने के बाद अपने महाविद्यालय में आप पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप के सारे कागजात दिनांक 31 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। ये सिर्फ SC ST BC BCT अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सबको कॉलेज में लगेंगे या जमा करने वक्त भरने वक्त पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देख पाए पढ़ने मिल जा रही है अगला अपडेट कि इंटरमीडिएट 21 से 23 सबके पाठ्यपुत्र यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की तरफ से कि प्रथम वर्ष के छात्र छात्रों को जाता है कि जो भी जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज के स्तर पर जाएंगे और 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक नामांकन ले लेंगे अपने IISc में और आपको सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगली अपडेट 67 BPSC में 20 सीटें बढ़ी, 5 नवंबर तक होगा आवेदन। अगली बार CBSE बोर्ड की तरफ से 10वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी, वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। छात्रों को पहली बार एक ही डॉक्यूमेंट में अंक पत्र के साथ मिलेगा प्रमाण पत्र। अगली बार LMU यूनिवर्सिटी की तरफ से BA और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए 11 को जारी होगा सूची। वरंग जिला की दरभंगा अभिया बेड CET 2021 के लिए दिख पर LNMU ने 2 वर्षीय BA एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए 18 सितंबर तक नामांकन के लिए आवंटित कॉलेज की सूची जारी की, जिसमें देख पा रहे सारी लिस्ट निकल गई। 22 से 29 तक आवंटित कॉलेज आपको मिला था वो ले लिया और 29 सितंबर तक आप सभी नामांकित कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर बचे हुए सीटों पर नामांकन के लिए 11 अक्टूबर को दूसरी सूची जारी होगी यानी सेकंड मेरिट लिस्ट। अभ्यर्थी 12 अक्टूबर से www.bihar.cet.ba.lmu.in पर लॉग इन करके 12 से 21 अक्टूबर तक ₹3000 पेमेंट करके 18 से 23 अक्टूबर तक आवंटित कॉलेज में नामांकन ले सकते हैं। अगली बार नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपसे लिए गुड न्यूज़ कि नए सत्र में नामांकन के लिए डेट बढ़ गई, 25 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में नए सत्र में नामांकन यानी आपको IISc, ICOM, BA, BSc, BCOM यानी UG, PG के बहुत सारे कोर्सेज में सभी कोर्सेज में एडमिशन चल रही है, जिसकी डेट 30 सितंबर थी पर उसे बढ़ा के 25 अक्टूबर कर दिया गया। फुल व्यू ट्यूटोरियल किस प्रकार अप्लाई करना है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। ऐसा किस लिए किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि कोरोना और आज में बाढ़ की स्थिति को देख करके ये डेट एक्सटेंड किया गया। पटना यूनिवर्सिटी में 5 से शुरू होगा आप सभी का नया सत्र, सभी कॉलेजों में होगा इंडक्शन मीट, आपको बताया जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस और भी आपके कोर्सेज के बारे में। और अरविंद महिला कॉलेज में कलमबंद हड़ताल, ठप रहा सारा काम। NIT में नए सत्र के रिसर्च स्कॉलर के दस्तावेजों का होगा सत्यापन। अगली अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नातक में नामांकन छात्र परेशान, कहा जिसमें कमजोर वही पढ़ना जो मजबूरी, 45% से कम अंक तो नहीं बदलेगा विषय। पर पढ़ रहे पाठ्यपुत्र वीवी साइंस के छात्र आर्ट्स में और आर्ट्स के छात्र साइंस और कॉमर्स में नहीं ले सकते हैं नामांकन। पाठ्यपुत्र विश्वविद्यालय में इंटर में 45% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दूसरे विषय फैकल्टी बदलने का अधिकार नहीं है, मतलब साइंस वाले आर्ट्स नहीं, आर्ट्स वाले साइंस नहीं, साइंस वाले कॉमर्स नहीं, विषय चेंज नहीं कर सकते। तो पढ़ने को जा रहा है ऐसा नोटिफिकेशन वीवी की वेबसाइट पर भी जारी किया गया, लेकिन इससे छात्रों को बहुत परेशानी हुई, छात्रों की चिंता बढ़ गई। जिस विषय में वे कमजोर हैं उनको विषय लेना पड़ रहा है ताकि वे उसे छोड़ना चाहते हैं ताकि दूसरे विषय में वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसे ही पढ़ना पड़ेगा। विश्वविद्यालय करा रहे हैं पुराने नियम का पालन, कॉलेज में सीट खाली होने के बाद भी नहीं ले पा रहे हैं एडमिशन।
ये अपडेट पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कि पटना यूनिवर्सिटी में आवेदन फॉर्म में सुधार आज तक कर सकते हो, 3 तक होगा चॉइस फिलिंग। पटना विश्वविद्यालय में थर्ड लिस्ट का नामांकन समाप्त हो गया। आवेदन फॉर्म में किसी छात्र को कोई गलती सुधारनी है, शुक्रवार को सुधार ले, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। सुधार के साथ ही उन्हें चॉइस फिलिंग भी करनी है। अब जो भी सीटें बची हैं उसके लिए VVK द्वारा एक बार फिर पोर्टल खोला गया, जिसे स्पॉट ऑन कहते हैं। छात्र जो सीटें बची हैं उसमें नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें वे अपना पूर्व चॉइस को बदल सकते हैं। हालांकि उन्हें सीट तभी मिलेगी जब सीट खाली होगी। इसके लिए चॉइस फिलिंग 2 और 3 अक्टूबर को करना है। मेरिट लिस्ट 4 अक्टूबर को जारी होगा। स्टूडेंट्स वेकपारे वेलफेयर प्रोफेसर डीन ने बताया कि ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर उनको जारी कर दिया जाएगा, उसे लेकर वे कॉलेज में आकर नामांकन ले पाएंगे। अगले वे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको देखने को मिल जा रहा है, आज भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कर्मियों ने कागजी कामकाज को ठप किया। अगली अपडेट के चाहिए एडवांस की एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी गई है। देख पा रहे हो जो कि एग्जाम आपका होगा, परीक्षा 2 शिफ्ट में चलेगा। पहले शिफ्ट सुबह 9 से 12 बजे, देख पा रहे हो दूसरे शिफ्ट देख पा रहे हो। अब बात करें देख पा रहे हो CBSE का प्राइमरी का रिजल्ट आ चुका। अगली अपडेट ITI को लेकर के कि परेशानी हो रही है, 421 नए आवेदन लंबित, अभी भी परिश्रम संसाधन विभाग नहीं कर रहे हैं निरीक्षण, 2 वर्षों से नहीं खुला एक भी ITI। अगली अपडेट कैट में शामिल होंगे 2.31 लाख परीक्षार्थी। अगली अपडेट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आईएफ को पढ़ने देखने मिल जा रही है। DPS कॉलेज की तरफ से है कि सिलेबस से बाहर का प्रश्न पूछने को लेकर छात्रों ने किया हंगामा। PG सेमेस्टर 2 की आज होने वाली परीक्षा स्थगित। एक बार फिर गुरुवार को छात्रों ने सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछने का आरोप लगाते हुए DPS कॉलेज में हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि PG सेमेस्टर 2 में देख पा रही विषयों के प्रश्न पत्र कोर्स से बाहर पूछे गए हैं। पृथ्वी कुलपति ने बैठक कर लिया गया है संज्ञान, यानी इसके बाद परीक्षा नियंत्रक कुल सचिव और प्रश्न पत्र चयनित करने वाले शिक्षकों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई है और छात्रों के आरोप सीमित समिति के सामने रखा गया है। निष्कर्ष निकाला जाएगा बहुत ही जल्द। निष्कर्ष निकला कि प्रश्न सिलेबस से ही है। अपर पारे पाठ्यपुस्तक विश्वविद्यालय में PG सेमेस्टर 2 की परीक्षा में सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछने की शिकायत के बाद 1 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। हालांकि अन्य पेपर की परीक्षाएं जो शेड्यूल उसी शेड्यूल पर होगी। पटना यूनिवर्सिटी में परफाड़े आज है आपका स्थापना दिवस। 105 साल का हुआ पटना विश्वविद्यालय, आज 41 छात्रों को मिलेगा गोल्ड मेडल। देख पाए आयोजन हो रहा है, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी होंगे मुख्य अतिथि और YouTube पर लाइव देख सकेंगे कार्यक्रम को। और बात करें अगली अपडेट पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको देखने को मिल जा रही है स्क्रीन पर, हमने फिर बना के डाल दिया। अगर आपको फॉर्म करेक्शन में कोई भी अपडेट कराना है, करेक्शन में आपको डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड या 10वीं 12वीं के डिटेल से रिलेटेड यानी परसेंटेज मार्क्स से रिलेटेड, तो आप करेक्शन कैसे करना है उसकी डिटेल आपको मैंने इस वीडियो में दिया। आपको थंबनेल जिस प्रकार देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर और कॉलेज कोर्स चॉइस फिलिंग का डेट कब आएगा, ये सभी सारी जानकारी हमने इस वीडियो आपको बता दिया है। कितनी सीट बची है, आखिर कैसे अप्लाई करना है, इसका क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी इस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें। अगली अपडेट वीक ओवर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से BCA सेमेस्टर 2 और 4 का फॉर्म आज से भर पाएंगे आप अपने सेमेस्टर 2 सत्र 19 से 22 और सेमेस्टर 4 सत्र 18 से 21 का परीक्षा फॉर्म। परीक्षा प्रपत्र 9 अक्टूबर को जमा होगा। अगली अपडेट TMB यूनिवर्सिटी की तरफ से तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पैट की जवाबदेही PROVISI को होगा। पर अब कंट्रोलर करेंगे कॉपियों की कोडिंग, छात्रों ने मार्क किया तो होंगे एक्सपेल्ड। वही अगले अपडेट TMB तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से ही TMB में परीक्षा PG और वोकेशनल कोर्स के 5000 छात्रों की परीक्षा भी अब तक नहीं हुई है। 75000 छात्रों का सत्र नियमित करने के लिए OMR शीट पर हो सकती है परीक्षा, होंगे 50 सवाल, सही सवाल पर मिलेंगे 2 अंक। स्नातक पार्ट 1 के 40000 और पार्ट 3 के 30000 छात्रों की परीक्षा है लंबित। पर पा रहे 75 सवाल में 50 होंगे अनिवार्य, जो भी स्नातक आपको ग्रेजुएशन का जो होगा आपका एग्जाम OMR सीट पर परीक्षा होगा, जिसमें आपको 50 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हर सवाल पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। बिना प्रायोगिक विषयों की परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प होंगे। प्रायोगिक विषयों में सिद्धांत विषय देख पा रहे 75 अंक और प्रायोगिक 25 अंक का होगा। इनमें 75 अंकों की परीक्षा है, 75 सवाल रह सकते हैं और 50 का उत्तर देना होगा। हर पर आपको 1.5 अंक मिलेंगे और स्नातक के सत्र 21 से 24 में देरी से दाखिले पर पड़ेगा इससे असर। और 2020 में भी यह विकल्प था, छात्रों ने किया था पर विरोध। अगली वे TMB यूनिवर्सिटी की तरफ से परपाड़े LLM पार्ट 1 की परीक्षा का युद्ध के कारण किया बहिष्कार। LLM पार्ट 2 की परीक्षा आज से शुरू आपके TMB यूनिवर्सिटी में। ललित अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अपडेट, डिग्री 1 में नामांकन की 2री सूची 8 तक होगी जारी। डिग्री 1 में पिछले साल परीक्षा नहीं होने वाले छात्रों को फिर मौका मिलेगा। LLM यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा 26 अक्टूबर से होगी, नोटिफिकेशन जारी हो गई है, आपको सीरियल यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जा रही है। उसके बाद कर एग्जाम आपके देख पा रहे हो 26 अक्टूबर से देख पा रहे हो एग्जाम 31 अक्टूबर तक चलेगी। और जबकि बात करें सब्सिडी जनरल विषयों की परीक्षा 17 से 26 नवंबर तक चलेगा।
तो ये सारे जो भी शेड्यूल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ आज के इस वीडियो में आप देख पा रहे हो, ये सारे शेड्यूल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसके लिए हमारे चैनल का बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, हमें टेलीग्राम चैनल को जुड़ना ना भूले। अगली अपडेट पढ़ पा रहे बिहार 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 यूनिवर्सिटी की तरफ से कि किसी एडमिट कार्ड में समय बदला तो किसी में एक ही समय में दो पेपर, ध्यान दें एडमिट कार्ड में गलतियाँ के कारण आज और तीन की परीक्षा स्थगित कर दी गई। पढ़ पा रहे हो सवाल गलत एडमिट कार्ड पर आगे की परीक्षा भी कैसे होगी और नियंत्रक का जवाब विसी ने बात कर ले करके लेंगे निर्णय। इधर धक्का मुक्की हंगामे के बीच पहुंचे छात्र, पढ़ पा रहे एक्सपर्ट रिव्यू ने रिव्यू दिया कि ऑनलाइन फॉर्म भराने के बाद एडमिट कार्ड में त्रुटि ना हो इसके लिए वीवी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एजेंसी की यह जिम्मेदारी है लेकिन वीवी को यह देखना होगा कि जो चीज़ उन्हें चाहिए वह सही हो रहा है या नहीं, यदि नहीं से हो रहा है गड़बड़ी जहाँ जो मतलब गड़बड़ी उस गड़बड़ी को सही करे। तो पर बने कुल जा रहा है कि आरडीएस कॉलेज में एडमिट कार्ड लेने पहुंचे छात्र, आधा दर्जन कॉलेजों में दोपहर बाद भी नहीं पहुंचा एडमिट कार्ड, सोशल मीडिया पर छात्रों ने निकाली देख पा रहे हो एडमिट कार्ड जारी करने के गिनीज बुक पे नाम दर्ज हुआ। दो साल बाद बदले पैटर्न पर होनी है परीक्षा, इसलिए स्टूडेंट्स भी अब है इसे थोड़ा वाकिफ, पर पा रहे हो स्नातक पार्ट वन 19 से 22 सत्र का। अगले अपडेट बिहार बिहार यूनिवर्सिटी से पैट एग्जाम रिजल्ट को लेकर कि पैट रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन आज बनेगी आंदोलन की रणनीति। अगली बार मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से 4 से 6 तक पार्ट वन के छोटे परीक्षार्थी की होगी प्रायोगिक परीक्षा, 2000 छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल पेंडिंग में अभी, आपके स्नातक पार्ट वन सत्र 2019 से 23 का। अगली अपडेट पढ़ने को मिल जा रही है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल ले लेकर के आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ से अपलोड करनी है, वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बहुत ही जल्द फ्रेंड्स मिलेगी आपको फुल ट्यूटोरियल किस प्रकार अप्लाई करनी है, तो वीडियो का वेट करें। अभी नोटिफिकेशन पढ़ पा रहे हो यहाँ पर आयलैंड यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया आप सभी कैंडिडेट सिटी द्वारा देख पा रहे हो कॉलेज टीचर एजुकेशन सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, जिसके लिए देख पा रहे हो सेकंड लिस्ट पब्लिश होगी, कॉलेज अलॉटमेंट 11 अक्टूबर को होगा, कॉलेज अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा हो जाएगा, फिर फी पेमेंट करना होगा जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें 3000 का 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, फिर उसके बाद पेपर वेरिफिकेशन एडमिशन होगा आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ उसमें 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक, फिर वैकेंसी जो बची की वो सबमिट कर दी जाएगी 24 अक्टूबर को, फिर वैकेंसी बची तो उस पर स्पॉट एडमिशन शुरू होगा 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक RBA CET 2 साल के कोर्स के लिए। ये था कुछ एजुकेशन अपडेट्स, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपना अगले वीडियो में, टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।